तो आज पूरे देश की जुबान पर नीरज चोपड़ा का नाम है, लेकिन नीरज चोपड़ा के संघर्ष की कहानी शायद ही कोई जानता हो। आइए बताते हैं कि नीरज का सफर कहां से शुरू हुआ और एक और अहम खुलासा जो उनके कोच ने किया है। टोक्यो ओलंपिक के जेवलिन थ्रो में शानदार प्रदर्शन कर नीरज चोपड़ा हर भारतीय के दिल पर राज कर रही हैं, लेकिन कहते हैं कि जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा दर्द और संघर्ष। ठीक ऐसा ही हुआ नीरज चोपड़ा के साथ। नीरज के कोच उवे हॉर्न ने एक अंग्रेजी अखबार को ओलंपिक शुरू होने से पहले एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने भारत की तैयारियों को सवालों के घेरे में खड़ा करके रख दिया था। उवे हॉर्न ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने खेलों के महाकुंभ की तैयारी के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया। उन्हें हॉक ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए सही ट्रेनिंग तो दूर सही खुराक तक की व्यवस्था नहीं होती। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत जिन खिलाड़ियों का चयन किया जाता है उन खिलाड़ियों को सही खुराक नहीं मिल पाती। ओलंपिक शुरू होने से पहले नीरज ट्रेनिंग के लिए यूरोप गए थे, जिस पर उन्हें हॉर्न ने कहा कि उन्हें पक्के तौर पर नहीं पता, लेकिन उन्हें लगता है कि JSW की मदद से ऐसा हुआ होगा, क्योंकि भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। हॉर्न ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसने भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ पर कई सवाल खड़े किए। हॉर्न ने कहा कि पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में जहां नीरज ट्रेनिंग करते थे वहां पानी काफी गर्म हो जाता है, इसलिए उनको वहां ट्रेनिंग के लिए सुबह और शाम 6 बजे के बाद जाना पड़ता था। उवे हॉर्न खुद किसी पहचान के मोहताज नहीं। जर्मनी के खिलाड़ी उवे हॉर्न के नाम 100 मीटर से ज्यादा दूर तक जेवलिन फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। 20 जुलाई 1984 को बर्लिन में हुए एथलेटिक्स मीट में 104.8 दूर भाला फेंक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। उनके इस आरोपों ने कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए। देश के खिलाड़ियों से उम्मीद की जाती है कि वो अपने देश के लिए पदक लेकर आएं, लेकिन अब ऐसे में आप खुद सोचें कि जब खिलाड़ियों पर इस तरीके का मानसिक प्रेशर हो तो कोई कैसे अपनी तैयारियों पर ध्यान दे। जब ऐसे खिलाड़ियों की मदद की जा रही हो तो आखिर खिलाड़ी अपनी तैयारी कैसे करेंगे और कैसे मेडल जीतेगा। अगर देश को मेडल चाहिए तो सरकार को इस ओर बेहद ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।